मैट हिलाई नहीं, मैच नहीं था, जबरदस्त काम कर रहा भाई दर्शकों से अभी है जरा जोरदार तालियां बजाएं। ये भाई अगले आने वाले जितने अब ये भाई है ना, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय सितारे पहलवान है। और बड़ी बात रही कि 2016 के ओलंपिक में इनमें से कोई ना कोई बालक पार्टिसिपेट कर ले। जोरदार तालियां बजाएं भाई, जितनी जोरदार ताली बजाओगे उतना इनका हौसला बढ़ेगा। ये तो पिलो कैसे भाई, पिलो भाई, ये एशिया का और कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडलिस्ट है सुमित, और ये पहलवान चौराहे का चुम है, ये भी अपने टाइम का बहुत अपने वजन का बहुत अच्छा पहलवान है। जनता से एक बार अपील है कि जोरदार तालियां बजाए पहलवान के हौसला बढ़ाने के लिए। काफी नाम है इस पहलवान का और ये बुआना गांव से है। एक बार जयकारा लगाएंगे भाई, बोल बोलो जी महाराज की जय, बोल बोलो दुनिया की जय। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कुश्ती के 2 मिनट खत्म हो चुके हैं। रेड कस्टम के पहलवान को बताया गया है कि उसको 30 सेकंड के अंदर पॉइंट लेना है, नहीं तो उसके खिलाफ पॉइंट हो जाएगा। अपना वाले को बड़ी फिर मिलता है ना, रोकने टाइम खत्म, 30 सेकंड खत्म हो गए। अभी 30 सेकंड बचे फर्स्ट राउंड के, जिसमें बिलू को 1 पॉइंट दिया गया है, रेड को पैसिव। टाइम खत्म, अभी 30 सेकंड के बाद दूसरा राउंड फिर शुरू होगा। नारे को कोसा कोसा भाई पहलवान ने लिए हैं 3-0 और 3 का स्कोर। जनता से अपील है कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं पहलवान के सामने, कितनी बेहतरीन कुश्ती आप लोगों के सामने। एक एक पॉइंट के लिए पहलवान किस तरह सूझ रहे हैं। इस कुश्ती के बाद बाहर केसरी के लिए पहलवान आएंगे, चिंटू कटेला, चंदन बनारस, ये दोनों पहलवान तैयार होकर मैच के पास आ गए। हैं
एक और सात का स्कोर है, एक पॉइंट रेड का चुनता है, सात अंक ब्लू का चुनते हैं, एक और नौ का स्कोर है। दस अंक का अंतर होने के बाद कुश्ती खत्म हो जाती है। एक और नौ पॉइंट इस कुश्ती के बाद भारत केसरी टाइटल के लिए पहलवान आएंगे चिंटू पटेवड़ा चंदन बनारस मंदिर माडोटी एयरफोर्स अखाड़ा रोहतक। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं अभी थोड़ी बहुत देर में हमारे बीच में पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर योगानंद शास्त्री पहुंचने वाले हैं और उनके साथ दिल्ली सरकार में 15 साल मंत्री रहे और दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष श्री अरविंद लवली जी भी हमारे बीच थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हमारे बीच में कटवाड़िया से हमारे मेहमान यशपाल जी पहुंच चुके हैं।